रख के जो लाए हैं वो लाए लेके बोल बदल दिए हैं सिर्फ। सभी बजाते हैं, मैं भी बजाता हूं, सभी बजाते हैं, लेकिन अजवाड़े वालों ने इस गद्दी को उंगलियों से लिया और ये मुलाजा हो कि कितना मुश्किल कर दिया है उसको, उसके प्रैक्टिस करने में कुछ वक्त लगता है या नहीं। कहते हैं कभी बाएं से कभी अग्गल से, तो कहते हैं कभी बाएं से पलटना कभी अग्गल से पलटना।
ऐसा करके बजाया है झिनझिन, इसकी निकाल बहुत मुश्किल है, और पूर्व वालों ने झिनझिन बजाया है। निकाल का फर्क है और बाकी बोल तो उनके लिए भी कोई अलग नहीं उतरे, उनके लिए कोई अलग नहीं उतरे, बोल तो वही है अजारा में भी, पूरब में भी, दिल्ली में भी, लेकिन सिर्फ निकाल का फर्क है। अगर निकाल आ गई तो दिल्ली अजारा और पूरब से वाकिफ हो गया, अगर निकाल नहीं आई तो कुछ नहीं आया। या कोई मुनस्कर है जो ये दिल्ली के लिए हमने झिनझिन भेजी, अजारा के लिए भेजी या इनके लिए, कोई वही बजाते हैं झिनझिन, वही बजाते हैं, सिर्फ निकालते ही फर्क है। तो दिल्ली वाले जो निकालते हैं, हजारे वाले निकालते हैं, मुश्किल है, वही आसान है। अब ये देखने का है कि झिनझिन ऐसे ही करके उनको झिनझिन पे चुन लिया, बस ये है कमाल। हाँ बजाते हैं, मैं भी बजाता हूँ, लेकिन कुछ तो हवा फास करके बजाना चाहिए। अभी तो हबीबुद्दीन खां कौन कहे, फिर अकवा कौन कहे, फिर ये जो हमारे शजरत बैठे हैं जुगल, बस यही है हबीबुद्दीन खां, हम क्या करेंगे होके जब ये भी ऐसे ही कहने लगे धात्री कृतक धीरे कृतक धात्री कृतक, जो हम कह रहे हैं ये भी कहने लगे, तो फिर ये हो गए ना।
नहीं मुश्किलात क्या बाएं से पलता है ऐसे करके कटकट निकालनी चाहिए। ये कटकट नहीं है, ये नहीं है। Thank you.
خان صاحب علی رضا خان صاحب سے فروغ آباد کے میں نے ان سے سیکھا تھا یہ میرا فرض ہے کہ میں جہاں کہیں بجاؤں ان کا نام لے لوں. گرگٹ پیش کرتا ہوں. نکالنے کی صفائی ہے, اس کی نکالنے کی مشکل ہے. رے بھی وہ کوئی مشکل نہیں ہوتا. اس میں جیسے thank you.
ذہنوں میں پھنسا گئے ہیں کہ بس زندگی میری بس بیت جائے گی اور شاید میں اس کو پورا نہ کر سکوں گا. مشکل ہے, مشکل کرنا چاہیے. ریاض کا مطلب یہ ہے کہ مشکل آسان کرے. ریاض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بول چلا کر اوپر لے جائے. پھر کیا کیا ریاض نہیں کیا اس نے کچھ بھی. ریاض کا مطلب یہ ہے, پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پریکٹس کری, مشکل کو حل کیا, مشکل کو آسان کیا. مشکل کو آسان کرنا چاہیے کیا؟ نے بجایا ہے رو اور رو جی نہیں, یہ دوسرا ہے اور یہ وہ رو ہے کہ جو میاں شتاب خان نے بجایا ہے جو آج کل فلم میں بجتا ہے. لیکن جیسے انہوں نے بجایا ایسے فلم میں نہیں بجتا ہے. اور میں نے تھوڑا سا اس پہ پریکٹس کیا ہے, مجھے بتایا ہے بزرگوں نے. میں نے ممن خان سے سیکھا, تھرکوا خان سے ان سے توبہ. تھرکوا خان تو منیر خان کے شاگرد تھے, میرٹھ کے رہنے والے ہیں منیر خان. پرلے خان سے, گامی خان سے, ننے خان سے, یہ دلی کے استاد ہیں. میں بتاتا ہوں, اتنے آدمیوں سے تو میں نے دلی سے سیکھا. ننے خان, گامی خان, احمد جان, وہ احمد جان کا نام آتا کم بخت تو کچھ آتا نہیں ہے. ننے خان صاحب اور نتو خان صاحب, ان سے میں نے سیکھا ہے دہلی سے. اور زوارے کا میرا خاندان ہے, میرے والد کا نام شمو خان. اور زوارے کا تو میں جو بجاتا ہوں تو بجاتا ہوں, لیکن دہلی کا ان لوگوں سے سیکھا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا چھپکے کی رو کہلاتی ہے, آج کل لوگ جانتے بھی نہیں ہیں اسے. میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس کی کاپی اگر کوئی کر دے تو میں اس کو بہت بہادر سمجھوں گا. اور زیادہ تو کیا کہوں, لیکن میں اسے سمجھوں گا بہت بہادر ہے. ہاں یہ وہ نہیں, جو میں بول رہا ہوں ریکارڈ میں آ رہا ہے. دیکھیے گیت کا ٹھیکہ فلم میں چلتا ہے, اس کو کہتے ہیں چھپا. اس کا ٹھیکے کا نام ہے چھپا. بزرگوں سے جیسے مجھے بتایا, میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کیا ہے اس کو آپ غلط سمجھ لیں تو میں اس کا کوئی لاز نہیں کر سکتا.
मिसाइल बोलते हैं, रॉ बोलते हैं, लेकिन रॉ का ठा करना गलत। जो रॉ में शिताब खाने रॉ बजाई है, उन्होंने ठा नहीं करी कभी, उन्होंने कभी कायदा नहीं बजाया, गत नहीं बजाई, कुछ नहीं बजाया, बस रॉ ही बजाई। जब बैठ के वो शिताब खा तो रॉ बजाते हैं, शायद इस लेकर उन्होंने अंदाजा ले लिया और उसकी रॉ बांध दी। तो इसको रॉ को ठा करना बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ गत का मतलब, आप पूर्व वालों से पूछ सकते हैं जो इसके मौजूद हैं, जो इसके मालिक हैं, जितना अच्छा वो जान सकते हैं, मैं नहीं जान सकता। तो गत क्या पूर्व में बच्ची थी और उत्तर में आप? नहीं, दिल्ली में आज दिल्ली। हाँ, दिल्ली की गत को मैं बता सकता हूँ आप, फरुखाबाद की। फरुखाबाद से भी इतना वाकिफ नहीं हो सकता, लेकिन देहली अजवाड़े की गत को मैं बता सकता हूँ। देहली अजवाड़े में भी गत बजी है, ये नहीं कि मानी गत बजी। तो गत का मतलब बंदिश है? बंदिश तो हर एक चीज की, लेकिन गत का मतलब देहली अजवाड़े की जो गतें हैं वो ऐसे होती हैं जैसे कि कायदे का चलन होता है, ऐसे उसका होता है, लेकिन उसके अंदर पाबंदी ऐसी उन लोगों ने रखी है कि अगर आप गत बजाएंगे देहली की तो उसमें से हिसाब नहीं निकाल सकते। कायदे आज बचता है उसका दूरा डेवड़ा पौना सवाया चलता है, उसका लौट उसका लिटाव लौट पलट से चलता है, तो उसमें से गत जो होगी उसमें यही चीज होगी कि हिसाब नहीं निकालेगा। अगर जिद्दत करेगा और हिसाब निकालेगा तो उंगलियां रुक जाएंगी। देहली अजवाड़े में गत बजी, मैं आपको अभी आपके सामने पेश करता हूँ देहली की भी गत और एक अजवाड़े की भी गत। लेकिन उसका अब अगर किसी के सामने हम ये कहें कि ये गत है तो वो हमें नहीं कहेगा, गलती कह रहे हैं, ये ना गत हो सकती है, ये तो कायदा है। लेकिन इसको हम जानते हैं, हमने सीखा है कि ये गत है और ये कायदा है, देहली का ये गत है और ये अजवाड़े का कायदा है, ये गत है। मैं आपके सामने पेश करता हूँ एक देहली की गत, और अगर कोई शख्स उसके अंदर से जिद्दत करके और उंगलियों से उन्हीं कायदे से निकाल के उसमें से हिसाब सुना देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि उन्होंने गलत गत बांधी, इन्होंने हिसाब निकाल दिया। हाँ, घेगे तिट घेगे तिट घेन देने ताता किन तागे तिट घेगे तिट घेन देने ताता किना तिंग दीना गिना तागे तिट किट दिंग दीना घेगे तिट घेन दिन ताता किन तागे तिट घेगे तिट घेन दिन ताता किन तागे तिट घेगे तिट घेन दिन ताता किना दिंग दीना गिना तागे तिट किट दिंग दीना घेगे तिट घेन दिन ताता किन तागे तिट। बस ये गत है, इसकी सफाई यही है कि ये ऊपर मंजिल पर पहुंच गई, बस सब कुछ कर लिया, लेकिन इसमें से हिसाब जैसे कायदे में से निकलता है। धाती धागे में धातु को मैंने कितनी तरह से सुनाया, कैसे कैसे उसमें अलॉट पड़ इसमें से नहीं निकल सकता, इसमें से जो निकालेगा ऊपर जाके इसकी सूरत बदलती नहीं। यही तो चीज है, आप ये गौर करिए आप कि जिस वक्त मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा सूरत तो नहीं बदलेगी, लेकिन इसकी सफाई नहीं, कोई हिसाब नहीं। अगर बोल का हिसाब और हो गया तो फिर हमने रियाज ही क्या किया। हमारे कहने का मकसद यही है कि जैसे हम नीचे निकालेंगे जैसे घेरे तुट घेरे तुट घेन दिन ताता केन तागे तुट ऐसे ही ऊपर जागी। अगर आप लोगों में से किसी को फर्क मालूम हो कि ऊपर ऊपर जाके इसका फला बोल वही बोल भी चुराया गया, चुराने का मतलब यह है कि वो कम हो गया, तो आपको इजाजत तो जान बाबू आप और मेरा हाथ पकड़ लेंगे तो फला बोल इसका चुराया गया। ये लिहाज बिल्कुल नहीं करता। हर जगह आता है, पूर्व वालों ने भी और अजवाड़े वालों ने भी सबने भिन्न भिन्न
लेकिन ये देखिए ये कितना बोले घिना दिन जगत घिना दिन। अब घिना दिन निकालने का और ऊपर ले जाने का जरा ये थोड़ा सा कष्ट खाना पड़ता है। इसमें मैंने बहुत परेशानी उठाई मगर मुझे अभी तक नहीं आया। Thank you.